क्या वाकई में पनौती हैं ये 5-स्टार किड्स जिस फिल्म में होते हैं करवा देते हैं फिल्मों को फ्लॉप। सोनम कपूर। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया से इंडस्ट्री में कदम रखी थी। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया लेकिन लगभग उनकी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। अनिल कपूर की बेटी होने की वजह से उन्हें फिल्में तो मिल जाया करती थी लेकिन फिल्में चल नहीं पाती थी। इसे सोनम की खराब किस्मत ही कहेंगे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद बॉलीवुड में वो अपना सिक्का नहीं जमा पाई। अनन्या पांडे। करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से अनन्या ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद अनन्या कई फिल्मों में नजर आई हैं। अनन्या की पिछली फिल्म लाइगर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई है। खबरों के मुताबिक इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स एक्ट्रेस की एक्टिंग से बिल्कुल खुश नहीं है जिस वजह से अनन्या को ज़्यादा फिल्में ऑफर नहीं हो रही हैं। सारा अली खां। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खां असल जिंदगी में राजकुमारी से कोई कम नहीं है। वो सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी हैं। सारा ने इंडस्ट्री में केदारनाथ फिल्म से कदम रखा था। उनकी शुरुआत तो काफ़ी दमदार थी लेकिन उसके बाद उनकी कई फिल्में फ्लॉप हो गईं जिस वजह से सारा को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 2 जून को सारा और विक्की की फिल्म जरा बचके जरा हटके रिलीज हुई है। इस फिल्म से सारा को काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। जानवी कपूर ने धड़क फिल्म से लोगों की धड़कनें चुरा ली थीं लेकिन इस फिल्म के बाद उन्होंने लगातार फ्लॉप दी हैं। उनकी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट कुछ ज़्यादा ही लंबी है। परिणीति चोपड़ा। इशकजादे फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा मगर एक्ट्रेस की एक भी फिल्में सफल नहीं हो पाई जो चर्चा का विषय है। लगातार फिल्में देने के बाद एक्ट्रेस जल्द ही शादी करने वाली है। दोस्तों ऐसे ही बॉलीवुड की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए।